हेलो फ्रेंड्स, श्रेया फैशन में आपका स्वागत है। आज हम आपको शॉर्ट गाउन की कटिंग करना बताएंगे। सबसे पहले हम आपको चोली की कटिंग करना बताएंगे, फिर हम आपको स्कर्ट की कटिंग करना बताएंगे। उसके लिए हमने ये कपड़ा लिया है, ये डबल फोल्ड है और अब हम इसका एक बार फिर फोल्ड कर देंगे। ये चार फोल्ड हो गए। और सबसे पहले हम इसकी लेंथ लेंगे कि हमें लेंथ कितनी रखनी है। टॉप पार्ट की हमें लेंथ रखनी है 13 इंच। हमने ये 14 इंच लिया है क्योंकि आधा इंच हमारे इधर सिलाई में जाएगा और आधा इंच हमारे ऊपर सिलाई में जाएगा। और अब हम शोल्डर की मार्किंग लगाएंगे। शोल्डर इसमें 14.5 है और हम 7.25 पे एक मार्क लगाएंगे। आधा लेंगे हम इसका और यहाँ पे भी हम एक निशान 7 पे लगाएंगे। अब हम इसको सीधा लाइन मिला लेंगे। यहां से भी हम 7.25 पे एक मार्क करेंगे। अब हम यहां से 1 इंच कम पे एक निशान लगाएंगे 6.25 पे। अब हम इस निशान को यहां से मिला देंगे शोल्डर से। चेस्ट इसमें 34 है, इसका 1/4 हम 8.5 लेंगे। अब हम कमर के मार्किंग लगाएंगे। कमर इसमें 29 है, इसका 1/4 हम 7.25 पे एक मार्क लगाएंगे। 1.5 इंच हम मार्जिन रखेंगे और 1.5 इंच ही हम यहाँ पे मार्जिन रखेंगे। अब हम इसको मिला लेंगे। अब हम आर्म होल में गोलाई देंगे। सबसे पहले हम फ्रंट पार्ट की गोलाई देंगे। अब हम बैक पार्ट में गोलाई देंगे। अब हम कंधे डाउन करेंगे 1/2 इंच। नेक इसमें हमें बोट नेक बनाना है। बोट नेक के लिए हम विड्थ इसकी 4 इंच लेंगे और गहराई हम 3 इंच रखेंगे। यहां से भी हम 3 इंच पे एक मार्क लगाएंगे। अब हम इसको मिला लेंगे। निशान को इस तरह से मिला दीजिए। अब आप सेपर की मदद से इस तरह से थोड़ा सा कर्व शेप लेना है इसमें। ये हमारा बोट नेक बन गया है। अब हम कटिंग कर लेंगे। सबसे पहले आपको बार वाले आर्म होल की कटिंग करनी है। अब हम इसका बैक पार्ट निकाल देंगे। अब हम फ्रंट पार्ट के आर्म होल की गोलाई की कटिंग करेंगे। और ये अस्तर है और ये इसका मेन फैब्रिक है। ये ऊपर के लिए इस तरह से हमें बनाना है। अब हम इसकी कटिंग करेंगे और इसी को रख करके आप इसकी कटिंग कर सकते हो। अब हम आपको स्कर्ट की कटिंग बताएंगे। इसके लिए हमने ये कपड़े को डबल फोल्ड कर लिया और एक बार हमने इसको फिर से फोल्ड कर लिया। ये 4 फोल्ड हो गए और 2 बंद है और 2 ओपन है। इधर पूरा बंद है। और अब हम कमर की मार्किंग लगाएंगे स्कर्ट की।
कमर इसमें 29 है, इसका 1/4 सवा सात होता है, लेकिन हम 8 इंच पे मार्किंग करेंगे क्योंकि इसमें हम दोनों तरफ सिलाई के लिए मार्जिन चाहिए। अब हम ऊपर से इसको नाप लेंगे, यहाँ से 10.5 आ रहा है ये हमारे। अब हम पूरे में 10.5 पे मार्किंग कर लेंगे। स्कर्ट की लंबाई हमें 21.5 इंच चाहिए। 21.5 इंच हमने ये लंबाई रखनी है और 10.5 इंच ये आ रहा हमारे, दोनों हम प्लस कर लेंगे तो ये हो जाएगी 32 इंच। तो हम यहीं से इसकी 32 इंच पे पूरी मार्किंग कर लेंगे। पूरे में हम 32 पे मार्किंग करेंगे। अब हम कटिंग कर लेंगे। कटिंग हमें यहीं से करनी है और एक कटिंग हमें यहाँ से करनी है। ये हमारे स्कर्ट की कटिंग हो गई है। अब हम इसी को रख के मेन फैब्रिक की कटिंग कर लेंगे। ये हमने 8 फोल्ड कर रखा कपड़े को और इसमें कमर 29 है। 4 फोल्ड थे इसलिए हमने 8 पे निशान लगाया था। 8 फोल्ड है इसलिए हम इसको 4 पे एक मार्किंग लगाएंगे। अब हम यहाँ से लंबाई लेंगे। हमें लंबाई स्कर्ट की 26 इंच रखनी है। 5 इंच हम ये प्लस कर लेंगे इसमें। 31 इंच पे हम पूरे में मार्किंग करेंगे यहीं से। अब हम कटिंग कर लेंगे। ये हमारे स्कर्ट की कटिंग कर ली है। अब हम टॉप के मेन फैब्रिक की कटिंग करेंगे। उसके लिए हमने इसको 4 फोल्ड कर लिया है और ये हमारा बैक पार्ट है, इसी को रख के हम कटिंग करेंगे। ये हमारे टॉप की कटिंग हो गई है। अब हम फ्रंट पार्ट रखेंगे और फ्रंट पार्ट के आर्म होल में गोलाई देंगे। एक पार्ट हम हटा देंगे इसके लिए बैक पार्ट। और अब हम फ्रंट पार्ट में गोलाई देंगे इसकी तरह रख के। ये हमारे फ्रॉक की कटिंग हो गई है। आप मेरे वीडियो को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करें। थैंक्स।